वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुकेश वर्धन व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम दिखा रहे हैं आपको अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम, जो आज के समय का काफ़ी फेमस ये फेयर है। काफ़ी लोग इसको देखने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो इसीलिए हम भी आपको दिखा रहे हैं अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम, जहाँ पर फिशेज को काफ़ी डिस्प्ले किया है। सभी तरह की यहाँ पर फिशेज है, और आपको एक्वेरियम जो आपने देखा होंगे, बड़े छोटे एक्वेरियम आपके घर में होंगे या फिर एक बॉटल के अंदर जो आते हैं, फ्लास्क में आते हैं, वो भी आपने देखा होगा। तो उसी का एक बड़ा डिस्प्ले, बड़ा लॉन्ग, बड़े वहाँ पर एक्वेरियम रखे हुए हैं। एक्वेरियम टनल बनाइए, उसी चीज़ों को हम घूमने आए हैं, आपको दिखा दे रहे हैं। कहीं देखो ये आप गोल्ड फिश है, कहीं तरह की आप सभी वेराइटी की फिश है, सभी तरह की आपकी फिश है। आपको देख रहे होंगे हमारे चैनल पे, आपको काफ़ी एंजॉयमेंट आएगा। अब वहाँ का लाइव ब्लॉग से आप कह सकते हैं हमने इतनी चीज़ों को कैप्चर किया है, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं हम। और आप देखो सब तरह के आपको अलग अलग डिफरेंट फिशेज आपको देखने को मिलेगी, सभी तरह की। इतनी फिशेज आप एक जगह पे देखना बड़ा मुश्किल है। देखिए तरह तरह के, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मैरन के अंदर आप चले गए हैं, समंदर के अंदर आप चले गए हैं, जहाँ पर बहुत तरह तरह की मछलियाँ होती है, बहुत अलग अलग तरह के जीव होते हैं। तो हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, हमारा ये ब्लॉग है, क्योंकि हम एकदम लाइव बना के लाते हैं, एक एक चीज़ों को हम आपको दिखाते हैं। तो मुकेश वर्धन यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा अंडर टनल वाटर एक्वेरियम कैसा लगा। हमें आप अगर कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, और हमारा जो चैनल है वो आपकी वजह से ग्रो करेगा, और आपकी जो हमारी सफलता है भागीदारी रहेगी। तो हम आगे से आगे आपको अन्य और चीज़ें भी दिखाएंगे, जयपुर की नहीं और बाहर की भी चीज़ें हम दिखाएंगे। जहाँ जहाँ मौका मिलेगा हम जाएंगे, और हमारे चैनल पे नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, नई नई चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए ये टनल का, देखिए आप ये टनल है, देखिए इसे आप क्रोकोडाइल, ये मछली है, क्रोकोडाइल काफ़ी बड़ी मछली है। अगर ये देखिए पूरा आप देख रहे होंगे इसको, और ये टनल का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, क्योंकि इसको लोग बहुत देर तक रुक रुक के देख रहे हैं, बहुत लंबी है, और इसका जो मूवमेंट है वो भी काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़ी होती है। ये देखिए ये टनल का अंदर का आप सबसे बेस्ट नज़ारा देख रहे हो। जयपुर का फर्स्ट टाइम ये शो है, यहाँ ऐसा फर्स्ट टाइम लगा है, लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है, बहुत भीड़ यहाँ आ रही है, इसीलिए हम भी गए वहाँ पर। और मुकेश वर्धन यूट्यूब चैनल आपको दिखा रहा है अंडर वाटर टनल फिश एक्वेरियम, भैरव सर्किल, हल्दीघाट मार्ग, सांगानेर, जयपुर, कोचिंग हब के पास में। तो आप भी आके देख सकते हैं, अभी काफ़ी टाइम लगेगा, ये 29 अप्रैल तक है, वो ऐसे आगे डेट भी बढ़े, लेकिन आइए आप और देखिए। ऐसे ही जो टनल्स बनती हैं वो कई जगह बनती हैं, लेकिन जयपुर में फर्स्ट टाइम है, बॉम्बे में है, बेंगलोर है, कई जगह पर हमने ये टनल देखी है। तो हमें भी काफ़ी अट्रैक्शन हुआ, और हमें लगा कि यार देखना चाहिए, तो हम हमारी फैमिली से ही गए। और जो एंट्री फीस है वो 100 रुपये पर पर्सन है, छोटे बच्चे के भी लगेंगे, चार साल से ऊपर के बच्चे के भी लगेंगे। तो आप लेकिन जब आप एंट्री फीस दोगे तो ये काफ़ी मिनिमम होगा, नॉमिनल एंट्री फीस है, क्योंकि आपको एंजॉयमेंट काफ़ी आएगा। इतनी चीज़ें आपको डिस्प्ले में देखने को काफ़ी कम मिलेगी, और आपको एकदम जो मेरीन है, जो समंदर है, उसका फील होगा, और आपको काफ़ी एंजॉयमेंट आएगा। ये देखिए छोटी छोटी गोल्ड फिश है, ब्लैक मोर, और आपको काफ़ी एंजॉयमेंट आएगा। और मुकेश वर्धन यूट्यूब चैनल आपको दिखाई रहा है लाइव, अगर आप नहीं देख सकते, जयपुर नहीं आ सकते, तो मुकेश वर्धन यूट्यूब चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और जाके हमारे अदर व्लॉग है वो भी देखिए। और जो ये अंडर टनल वाटर फिश एक्वेरियम जो हमने बनाया है, वो 3 पार्ट्स में बनाया है, क्योंकि हमारा जो व्लॉग है वो काफ़ी बड़ा हो चुका था, तो इसीलिए हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में हमने एंट्री दिखाई है, और सेकंड पार्ट में हमने टनल दिखाया, जो ये सेकंड पार्ट आप देख रहे हैं टनल वाला। उसके बाद में जो थर्ड पार्ट है वो फेयर हमने कैप्चर किया है, वहाँ के झूले कैप्चर किए हैं उसके बारे में,
तो हम ये चाहते थे कि हम हमारे जो ब्लॉग्स है वो काफ़ी बड़े होते हैं, बट हम ये चाहते हैं कि आपको एक एक चीज़ दिखाई जाए, एक एक चीज़ को एक्सप्लोर किया जाए, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी जाए, ताकि आपका जो क्रेज, जो आपका एक विश्वास बना रहता है कि हाँ मुकेश वर्तनी यूट्यूब चैनल आपको एक एक चीज़ डीपली दिखाता है, किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि हम है ना फेस टू फेस वो चीज़ देख रहे हैं, वैसा फील कर रहे हैं, तो मुकेश वर्तनी चैनल वही चीज़ आपको दिखाता है। उसके लिए हम काफ़ी मेहनत करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा जो व्लॉग है वो कैसा लगा, क्योंकि हम जगह जगह जाते हैं और जो भी नई चीज़ें उसको दिखाते हैं। मुकेश वर्तनी व्लॉग में आप कई व्लॉग्स आपने देखे भी होंगे, जिसमें सिटी पार्क व्लॉग है, शीतला माता व्लॉग है, और जयपुर चौपाटी व्लॉग है, मानसरोवर चौपाटी व्लॉग है, और जवाहर सर्किल व्लॉग है, हमारे शॉर्ट्स भी वो भी आपने देखे होंगे। और हमें भी बताया कि आपको हमारा जो आपका हमारे चैनल को काफ़ी प्यार मिला है, काफ़ी लोगों ने हमें चैनल को सराहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, सब्सक्राइब भी हमारे काउंट हो रहे हैं, चैनल लेकिन अभी धीरे ग्रो कर रहा है, लेकिन हम आपका सहयोग चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और अदर चीज़ें ला सकें, नई नई जगह पर आपको घुमा सकें और आपको फील करवा दें। और हमें लगता भी है कि इससे बेटर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है जिससे हम आपके दिलों तक पहुँच सकते हैं, हमारे पास कोई ऐसा बेटर ऑप्शन नहीं है जिससे हम आपके दिलों पे राज कर सकते हैं, इसीलिए हमें एक ऐसा साधन लिखा है जिससे हम आपसे डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपसे जुड़ सकते हैं, आपसे रूबरू हो सकते हैं इस चैनल के वजह से। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा, किस तरह के एक्वेरियम आप देख रहे हैं, एयर सर्किल, अंडर वाटर टनल, किस एक्वेरियम का ये पार्ट, सेकेंड टनल वाला पार्ट है वहाँ का, तो हमने पूरा टनल इसको एक्सप्लोर करा है, फर्स्ट पार्ट में हमने एंट्री एक्सप्लोर करी है और थर्ड पार्ट में हमने जो वहाँ के फेयर है, स्टॉल्स है वो करी है। तो आप है ना जो तीनों पार्ट्स आप देख लीजिए, क्योंकि हमारा जो ब्लॉग है वो काफ़ी बड़ा हो रहा था, और इस वजह से हम चाहते थे कि इतना बड़ा ब्लॉग नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने थर्ड पार्ट में बता दिया, ताकि आप आसानी से एक एक चीज़ को देख सकें। पूरे फेयर को हमने कैप्चर किया था, काफ़ी मेहनत की थी, और ये देखिए एक से बढ़कर एक आप पीसेस देख रहे हैं, ऐसे पीसेज आपको देखने को बहुत कम मिलेगी एक ही जगह पे। ये रॉकेट की तरफ फीस है, और अंडर टनल वाटर एक्वेरियम को आप देख रहे हैं, एंट्री फीस आपको हमने बताई दी है, जयपुर के अंदर फर्स्ट टाइम है, और भैरव सर्किल है सांगानेर के पास में ये लगा हुआ है, हल्दी घाटी मार्ग के पास में कोचिंग हब जो मेन रॉकेट है वो है। और आप अगर जयपुर में कहीं अपने रिश्तेदार के यहाँ घूमने आए हैं और हमारा चैनल देख रहे हैं, या आप जयपुर में किसी वजह से कोई काम से आए थे, एक बार जरूर आके देखें, ताकि आपको भी एंजॉयमेंट आए, या आपके छुट्टियां मनाने या वेकेशन पे जयपुर आए बच्चों के साथ या किसी फैमिली के आए, तो आप आके जरूर देखिए, क्योंकि काफ़ी एंजॉयमेंट आपको आएगा। और अगर आप किसी वजह से नहीं आ सकते तो हमारे चैनल पे एंजॉय लीजिए, उसमें भी वही सब चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने दिखाई है, एक एक चीज़ डिस्प्ले की, कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इसलिए हमारे चैनल पे जो ब्लॉग्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, और हम इस चीज़ को कहते भी हैं, बड़े गर्व से भी कहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपके लिए एक एक चीज़ हम डिस्प्ले करें, एक एक चीज़ दिखाएँ, और इसीलिए हम आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए हम हमारे ब्लॉग्स को लाइव ब्लॉग बोलते हैं, क्योंकि हम एक एक चीज़ को दिखाते हैं। देखिए छोटी छोटी फीसेस का मोमेंट देखिए, कितने प्यारे, काफ़ी भीड़ थी उस समय, तो आप देखिए ऐसे जो टनल्स है वो बॉम्बे में, दिल्ली में, अदर जो सिटीज़ हैं वहाँ पर बंद की रहती, लेकिन हमारे यहाँ जयपुर में फर्स्ट टाइम आया। देखो सिलोफिया जो मछली आप उसको देख रहे हैं, अलग अलग, कोई गोल्ड फिश है, कोई सिल्वर फिश है, ऐसी मछलियों को आप देख रहे हैं, ये फिशेज काफ़ी आपको यहाँ पर अट्रैक्शन होगा, आप काफ़ी एंजॉयमेंट मिलेगा, बच्चों को काफ़ी इन चीज़ों को देख कर खुशी मिलेगी, तो बच्चों के लिए यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, शहर में भी है, और अलग अलग तरह के झूले भी हैं, खाने पीने के स्टॉल्स हैं, नई नई चीज़ें आप यहाँ पर ले सकते हो, डेकोरेशन, होम डेकोरेशन की चीज़ें, तो ये हमारे पार्ट्स में आप थर्ड में जाके देख सकते हैं। हमने ये टनल पार्ट टू है पूरा अंदर का वो दिखाया है, मुकेश वर्तनी यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और बाकी जो अदर ब्लॉग है वो भी आप जाके देखें, हमारे शॉर्ट्स को भी आप